हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल नवजीवन घरसाना। हाँ जी स्टूडेंट्स, कल हमने आपकी एक्सरसाइज 2.1 की, उसका थर्ड क्वेश्चन किया। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, फोर्थ क्वेश्चन। ये है आपका, ए रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर इज 12/1/2 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 10/2/3 सेंटीमीटर वाइड। फाइंड इट्स पैरामीटर। एक आपके पास रेक्टेंगुलर शीट है जो कि आपको दिया हुआ है कि 12/1/2 सेंटीमीटर लॉन्ग है और उसकी ब्रेथ है जो वो क्या है, 10/2/3। तो आपको उसका पैरामीटर देखना है कि कितना है। देखिए, पहले हम रेक्टेंगुलर शीट बनाते हैं। लेट अस सपोज आपके पास ऐसी एक शीट है, ये इसकी होगी लेंथ और ये होगी इसकी ब्रेथ। लेंथ लंबाई, ब्रेथ होगी आपकी चौड़ाई। तो आप लिख सकते हो इसको, जैसे ये है आपकी 12/1/2 सेंटीमीटर और ये है आपकी 10/2/3 सेंटीमीटर। ब्रेथ को आप बी से लिखते हो और लेंथ को आप एल से लिखते हो। पैरामीटर जो होता है वो जो साइड्स हैं चारों, उन चारों साइड्स का एडिशन होता है। जो ये सेंटर में है, अगर आप इसका करोगे, ये एरिया होता है, तो हमें पैरामीटर के लिए इसकी चारों साइड्स की लेंथ देखनी है कितनी है। तो उसके लिए आपके पास पैरामीटर का फॉर्मूला है, पैरामीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर शीट। Equal to 2L+B। तो इसमें आपने 2 क्यों लिखा? लेंथ की भी 2 साइड्स हैं और ब्रेथ की भी 2 साइड्स हैं, इसलिए दोनों साइड्स को, लेंथ और ब्रेथ को आपने 2 बार ऐड करना है, इसलिए हम 2 आगे लिखते हैं ताकि दोनों से मल्टीप्लाई हो जाए। तो अभी हम लिखेंगे 2, लेंथ हमारी दी हुई है 12/1/2, ब्रेथ हमारी है 10/2/3। हाँ जी स्टूडेंट, ये है आपके मिक्स फ्रैक्शन में है, तो आप इसको सिंपल फ्रैक्शन में चेंज करोगे, 2 एज इट इज रहेगा, ब्रैकेट 12 2 24 और ऊपर वाला 1 ऐड करोगे तो क्या आएगा आपके पास, 25/2। इसी तरह से इसको 3 10 30 और 2 30 2/3। हाँ जी, ये आपकी सिंपल फ्रैक्शन होगी। अब आपको पता है कि जब भी आपको फ्रैक्शन को ऐड करना होता है तो उनके बेस सेम होने चाहिए, तो बेस सेम करने के लिए पहले हम इनका एलसीएम लेंगे। 2 और 3 का जब आप एलसीएम लोगे तो आपके पास आएगा 6, 2 एज इट इज रहेगा। 2 को अगर हमने 6 करना है तो ऊपर और नीचे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 से। आप यहां से भी देख सकते हो 2 है, 6 करने के लिए आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे, तो 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 6 हम एज इट इज लिख देते हैं, 2 3 6 25 3 75 देन प्लस, फिर इस 3 को आपको 6 करना है तो किससे मल्टीप्लाई करोगे, 2 से, ऊपर नीचे दोनों तरफ। यहां लिख लेते हैं नेक्स्ट 25 + 3 2 3 32 2 और 3 2। ये आपके पास आएगा 75/6 प्लस, ऐसे ही आप 32 को करोगे 2 से तो 64/6। अब इनके बेस सेम हो गए हैं तो आप ऐसे लिख सकते हो 6, और इन दोनों को ऐड करो 5 और 4 9, और 6 और 7 आपके पास आएगा 13। तो इस ये आ गया आपके पास इनका एडिशन।
अब आपको इन सबको 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो 2 से आप इसको 6 को मल्टीप्लाई करोगे, ये ऊपर वाले को ऊपर से मल्टीप्लाई करते हैं, इसको नीचे वाले को नीचे वाले से, इसके नीचे कुछ नहीं है, तो ये आपका 3 से कट रहा है, 2 3 6, तो आपका आंसर आएगा 139/3, ये आपका आंसर है। हाँ जी स्टूडेंट्स, थैंक यू, नेक्स्ट मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।